भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में सेठ पद्मचंद इंस्टीट्यूट की एमबीए की छात्रा को गोल्ड मेडल मिला है। प्रीति सिंह प्रथम वर्ष में भी गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह समाप्त हो गया, उसमें लगातार छात्रों को मेडल दिए गए। अब उन छात्रों से बात करेंगे जिस तरह उनका मेडल, आपको किस विषय में और नाम, पहले तो नाम बताएं किस विषय में आपको मेडल मिला? मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं एमबीए सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मुझे पिछले साल भी गोल्ड मेडल मिला था और इस साल भी मुझे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट मिला है और ये मेरी मैम है। इसका श्रेय किसको देंगे, जो सफलता आपको जो मिली है इसका श्रेय किसको दे? जो सफलता मुझे मिली है मैं उसके लिए अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को, जो उन्होंने मुझे गाइड किया और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया एमबीए के लिए कि एमबीशियस बनूं मैं, आगे पढूं और अच्छी जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की प्रिपरेशन करूँ। प्रीति सिंह की जो माँ है किस तरह ये मेहनत करती थी और क्या पढ़ाई में कभी आनाकानी भी करती थी? मेरे बच्चे ने खुद से मेहनत की, कभी कोचिंग का कभी कभी कहीं नहीं गई है, खुद से मेहनत की, जो भी नंबर आए इन्होंने सब मेहनत से किया है अपने आप से। एमबीए मतलब यही छात्रों को मतलब मेडल मिला है कि और भी एमबीए के क्लास में किसी और को भी मेडल मिला? एक्चुअली दो स्टूडेंट्स को मिला है पर ईयर, ये हमारी लास्ट ईयर पास आउट स्टूडेंट है और बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, बहुत ही मेहनती, हमेशा कुछ नया सीखने में तत्पर रहती थी और मैं इसको आगे की लाइफ के लिए शुभकामनाएं दूंगी। बहुत ही अच्छी जो और जो छात्र इस साल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए उनके लिए क्या शुभकामनाएं आपकी और क्या मेहनत किस तरह से काम करें? देखिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके पूरा करने के लिए तत्पर रहें, यही मेरे उनके लिए वो है उपदेश है और हार्डवर्क से कभी घबराएं नहीं, हार्डवर्क करते हैं। एमबीए की जो प्रीति सिंह है इनको जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर में गोल्ड मेडल मिला है, लगातार इनकी जो कड़ी मेहनत है सफलता का साफ दिख रहा है और उनको जो है लगातार जो है मेहनत का फल मिला। छात्रों के जो टीचर का कहना है कि लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरह से जो इस साल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वो लगा और मेहनत करें ताकि वो आने वाले परिणामों में अच्छे रिजल्ट ला सकें। लक्ष्मी सिंह।